सबसे पहले तो ये जो डिवोर्स का चक्कर है उसके बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि अब तक तो हमें लगा था कि डिवोर्स हो चुका है। नहीं नहीं नहीं, डिवोर्स का प्रोसीजर हो चुका है, सारा साइन हो चुका है, लेकिन जो फाइनल जजमेंट होता है जो 6 महीने लगते हैं जिसके लिए, तो ये 6 महीने का लीप हुआ है और हम शादी का प्रोसेस शुरू कर चुके हैं, क्योंकि हमें कायरव को सारा प्रोसेस दिखाना है, उसके लिए हमने संगीत किया और मेहंदी कर रहे हैं। बट जो फाइनल वेडिंग है वो डिवोर्स के बाद ही होगा। ऐसा है कि डिवोर्स सुबह है और उसी दिन शाम को शादी है। So, आज आप घर पे आए हैं तो ये वैदिक का कहना कि बहाना बने क्या नायरा को देखने के लिए, क्योंकि शादी के फंक्शन में दूल्हा दुल्हन नहीं मिलते? या एक्चुअली बहाना तो ये था कि दादी को यहाँ ला रहे, दादी को छोड़ना और गायू को भी छोड़ना है यहाँ पे, उनका घर तो एक दो दिन रुकने के लिए, तो वो एक बहाना बन जाता है। दादी के पैर में चोट आ जाती है, दादी नहीं आ पाती, बट शी इज़ वेरी वर्ड। दादी को बहुत टाइम से इंट्यूशन हो रहे हैं कि कुछ गलत हो सकता है, बट कार्तिक इज अगेंस्ट इट, ही सेइंग कि नहीं नहीं ठीक है। उनका वरी होना भी ठीक है, डरना भी ठीक है, क्योंकि इतना कुछ हो चुका है, यू नो ऑलमोस्ट 5.5 साल से कार्तिक नायरा अलग है, और सो दिस इज़ क्वाइट नॉर्मल टू बी वरीड एट दिस टाइम। तो यहाँ पर वो आए हैं इस बहाने से और नायरा को ढूंढ रहे हैं, लेकिन नायरा सामने ही नहीं। यहाँ पर वो आए हैं और नायरा को ढूंढ रहे, लेकिन नायरा सामने ही नहीं आ रही। तो एक लास्ट चीज, जैसे आप देखिए प्रोमो में भी कि वैदिका जो है नायरा को कुछ बोलती है, नायरा बोलती है तुम जान जाओगी कि मैं क्यों शेर नहीं हूँ, हस्बैंड सेड दैट, या आई लाइक दैट, क्या है ये एक्चुअली अलग वो क्या है वैदिका, और यू सून गोना सी द दुर्गा रूप ऑफ नायरा। जैसे आप जैसे कार्तिक को कभी गुस्से में देखते तो उनका शिव वाला रूप दिखाते हैं, ही वो दैट कॉस्ट्यूम, और जब वो लड़का आता है नायरा की लाइफ में, सेम वे नायरा ने दुर्गा के रूप दिखाया है, और दे इज़ गोना बी समथिंग, मैं अभी बता नहीं सकता, लेकिन वो यहाँ से उसकी शुरुआत होती है। अभी तक पूरा मिलन हो चुका है, शादी की तैयारी हो चुकी है, पर यहाँ से उस चीज़ की शुरुआत हो रही है। जैसे हम टेबल के नीचे हमेशा क्यूट मोमेंट करते हैं, इस बार सोफे के पीछे क्यूट मोमेंट है, सो बेटर हो जाओ। थैंक यू।